चाहूंगा कि उनके प्रयासों से आज इस गांव के अंदर ये इतनी बड़ी स्कूल का निर्माण करने जा रहे हैं और आज की तारीख में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास हुआ और इस अवसर पर मैं समझता हूं कि उनका आग्रह था उस समय कि यहां पर एक ऐसा हब बने। हमारे गांव वालों के सहयोग से हमें एक ऐसा हब बनाए जिसमें स्वास्थ्य भी हो, चिकित्सा भी हो और शिक्षा भी हो। तो मैं समझता हूं कि ये सपना आज पूरा होने जा रहा है। मैं उसके लिए भामाशाह परिवार को हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका बहुत बहुत कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि वो आगे आए और इस पुण्य के काम में उन्होंने अपना योगदान दिया। परम पूज्य महाराज साहब ने अपने उद्बोधन में एक बात कही थी कि कई बार ऐसा होता था कि गांव के किसी व्यक्ति के पास में पैसे नहीं होते थे। मैंने खुद ने भी देखा है, आप सब लोगों ने भी देखा होगा, गांव के उसकी जमीन उसका घर गिरवी रखकर वो अपने किसी परिवारजन का इलाज करवाता था। कई कई बार तो उनकी जमीनें बिक जाती थी। मैं समझता हूं कि आज के इस दौर में जब इस पीड़ा को हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने देखा तो उन्होंने जब वो 2008 के अंदर जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जनता के लिए देश के अंदर पहली बार निशुल्क दवा योजना शुरू की। आज सरकारी अस्पतालों में निशुल्क दवा मिलती है, एक भी पैसा खर्च नहीं होता, जांच फ्री है। अब ओपीडी के जो भी छोटे मोटे पैसे लगते थे वो भी फ्री हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारी सरकार 2013 के अंदर गई उसके पहले ये जो निशुल्क दवा योजना का जो लाभ था, मैं समझता हूं कि वो कंटिन्यूस, बीच में कुछ अड़चने भी आई लेकिन वो चलता रहा। 2008 में पुनः माननीय अशोक गहलोत जी ने जब सत्ता संभाली तो मैं समझता हूं कि उन्होंने इसको आगे बढ़ाते हुए जिस तरह चिरंजीवी योजना को आप सब पहली बात ही जानते होंगे, आज की तारीख में हमारे जिले के 80% लोग इस चिरंजीवी योजना में जुड़े हुए हैं। चिरंजीवी योजना के तहत पहले 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होता था, फिर 10 लाख हुआ और परसों के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख तक, ऐतिहासिक 25 लाख तक के इलाज के लिए एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। ये एक इतना बड़ा ऐतिहासिक काम किया, उसके लिए हम सब लोग, हम सब, आप सब की तरफ से और हम सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये CHC हमारे जोगराज जी साहब ने बनाई, मैं उनको पूरा विश्वास दिलाता हूं। जोगेश्वर जी ने भी कहा डॉक्टर नहीं होते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये अस्पताल इतना बढ़िया बनेगा जिसमें कोई भी डॉक्टर आएगा तो यहां से जाने का मन नहीं करेगा। प्रॉब्लम यही होती है कि सरकारी अस्पताल कोई भी हो, इसमें कभी कभी उनको मनमाफिक सुविधाएं नहीं मिलती तो वो डॉक्टर वहां से जाने की हमेशा इच्छा करता है कि मैं यहां से चला जाऊं। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह की स्कूल कॉलेज और ये जो बढ़िया भवन बनेगा तो मैं समझता हूं कि यहां से कोई भी चिकित्सक जाने की इच्छा जाहिर नहीं करेगा और इस बात का हम सब लोग ध्यान रखेंगे। जोगेश्वर जी एक बात का धन्यवाद देना भूल गए, जालौर जिले में इतना बड़ा काम हुआ, धन्यवाद के लिए मैं उनसे मांग के ले लेता हूं। एक बार हम सब मांग करते रहे कि 33 में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, 3 जिले बाकी रह गए थे जिसमें जालौर भी था। हम सब लोग जब भी मंच पे हमारे MP साहब, हमारे MLA साहब जब भी मिलते थे, हम उनसे कहते थे कि कम से कम एक काम तो बड़ा हमारा केंद्र सरकार से करवा दीजिए। लेकिन 4 साल होने के बाद भी ये हमारा काम उन्होंने नहीं किया, उसके लिए भी धन्यवाद। हमारी भावना को देखते हुए
हमने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि भाई केंद्र नहीं बनाए कोई बात नहीं, लेकिन आप राज्य के खर्चे से ही मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दो। तो मैं समझता हूं कि जालौर जिले के इतिहास में एक मेडिकल कॉलेज का घोषणा बजट के अंदर हो चुकी, ये बहुत बड़ा काम है। अब जोगेश्वर जी एक काम और करा दो, रोहित से लगाकर सांचौर तक नेशनल हाईवे घोषित करा दो, ये बढ़िया सड़क बन जाएगी। बाकी सारी सड़कें हमने ठीक कर दी है, अभी दो चार महीने के अंदर आपको जिले की सारी सड़कों पे बहुत ही अच्छी सड़कें आपको मिलेगी। ये एक सड़क आपके जिम्मे है, कृपया करके टालने की कोशिश नहीं करें, आप इसको करवाने का कष्ट करें। चार चार MLA उसका पैसा आप दे दो ना, थोड़ा सा पैसा है, प्रसाद दिया हुआ है, आप बताइए ये आप काम करवा दीजिए, हम आपका सम्मान करेंगे। ये राजनीतिक बात नहीं है, ये हमसे हमारे आपस की हम सब लोग निवेदन करते हैं। आज यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय का भी शिलान्यास हुआ, बहुत ही अच्छी बात है। जैसा मैंने बताया एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। रामलाल जी ने एक निवेदन किया कि डबल डिवाइडर वाली सड़क भी बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि रामलाल जी आपकी बात को तो हम टालेंगे नहीं, और जल्दी से जल्दी इसको किसी भी फंड में हम लेकर, मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है, उसको भी हम कराने का काम करेंगे। वैसे तो जालौर जिले के अंदर आप सब लोग बाहर रहते हैं, सारी चीजें आजकल जनसंपर्क का एक अच्छा सोशल मीडिया पे सारी चीजें आपके सामने आ जाती है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे जिले के अंदर, जालौर जिले के अंदर पिछले चार साल में स्वास्थ्य की दृष्टि से जितना बढ़िया काम हुआ, मैं समझता हूँ कि आज इसी कड़ी में इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास होने जा रहा है और उसका लाभ आसपास के सभी गांवों को मिलेगा। और मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग इस पुनीत कार्य में अपना योगदान करें। मैं पुनः हमारे सभी हमासा परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इस पुण्य कार्य करने में हमेशा अग्रणी रहे, और भगवान आपको बहुत उत्तरोत्तर प्रगति करें। मैं पुनः आज इस अवसर पर आप सबको नमस्कार करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।